इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एमएस वर्ड में रिबन को हाइड कैसे करते हैं। एमएस वर्ड ओपन करते हैं, यहाँ टाइप करते हैं एमएस वर्ड, वर्ड पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। इस रिबन को हाइड करने का दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि रिबन में कहीं पर भी माउस रखकर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद कोलैप्स द रिबन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं रिबन हाइड हो चुका है। इसे फिर से वापस लाने के लिए होम पर क्लिक कर फिर से राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद इसे अनटिक कर देते हैं और अब यह रिबन शो कर रहा है। इसे हाइड करने का दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर क्लिक करने से तीन ऑप्शन शो करता है। पहला ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन, दूसरा ऑप्शन है शो टैब्स और तीसरा ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स। अभी ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। इसे हाइड करने के लिए शो टैब्स पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं रिबन हाइड हो चुका है। अगर आप इस मेन्यू को भी हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से यहाँ पे क्लिक कर ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं मेन्यू भी हाइड हो चुका है। इसे फिर से वापस लाने के लिए यहाँ क्लिक कर शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक करते हैं और अब ये शो कर रहा है। इसे क्लोज करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।